हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ खान्स फैमिली किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पूरी भाजी, वो भी एकदम टेस्टी। आज कुछ नया है इसमें, ठीक है। हमेशा आप देखते हो मैं बनाती हूँ, लेकिन आज कोई और बना रहा है। तो आज खाना बनाने वाला है मेरा भाई, ठीक है। इसी ये रेसिपी उसकी है जिससे कभी जिंदगी में कुछ उठा के रखा नहीं है, आज वो हमें पूरी भाजी बना के खिला रहे हैं। तो बस क्या किया उसने, 3 ऑनियंस ले लिया, उसको अच्छे से बारीक 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 कट कर लिया। उसके बाद उसने लिया 2 टमाटर और उसे भी अच्छे से बारीक 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 कट कर लिया, ठीक है। और मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था यार कि वो इतना अच्छा खाना बना सकता है। और फिर मैंने सोचा क्यों नहीं बना सकता, स्टडी तो उसने उसमें ही की है, ठीक है। फिर क्या किया उसने, ले लिया पैन और उसमें डाल दिया थोड़ा सा तेल और क्यूमिन, थोड़ा सा जीरा। डालने के बाद जो हमने चॉप किए हुए ऑनियन रखे थे वो उसने उसमें डाल दिया, ठीक है। और उसको डाल के एकदम अच्छे से पका लिया, ठीक है। वैसे तो अपने इंटर्नशिप करके अभी अभी ये रिटर्न आया है, तो उसके बाद इसका फर्स्ट टाइम है जब ये घर पे खाना बना के हमें खिला रहा है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे और सच में बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था। फिर क्या, फिर ले लिया उसने बॉइल किए हुए पोटैटोज और उसको अच्छे से मैश कर लिया, ठीक है। मैश करने के बाद एकदम अच्छे से उसको मैश कर लिया, देख लो कैसे कर रहा है। फिर हमें देखना है हमारे प्याज को क्या हुआ है, उसका सॉफ्ट हुआ है नहीं हुआ है, रेडिश हुआ है नहीं हुआ है। अगर हो गया होगा तो उसमें हमारे जो टॉप पेटर टमाटोज थे वो हमें उसमें डाल लेने हैं और अच्छे से मिक्स करते जाने, ठीक है। ये रेसिपी ना सच में बहुत इजी है और उसमें कुछ मतलब तामझाम की जरूरत है ही नहीं, मतलब कोई गरम मसाला नहीं, कोई नहीं, बस एकदम ईजी है। अब इसमें उसने ग्रीन चिलीज डाल दिया और उसे भी डाल के एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। कोई ऐसे फालतू इंग्रेडिएंट्स नहीं है, एकदम सिंपल, एकदम ईजी और बहुत टेस्टी है। अब इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लो, ठीक है। इसे पकने दो, जिंजर गार्लिक का पेस्ट कच्चा ना रह जाए, ठीक है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें दही डालना। आपने सोचा होगा कि कभी ये इसमें दही कौन डालता है, लेकिन इसने डाली, हम भी यही क्वेश्चन इसे कर रहे थे, इसमें दही कौन डालता है। तो इसलिए बोला कि बस तुम लोग चुपचाप देखते रहो, ठीक है। हमने भी बोला ठीक है भाई देखते हैं, ठीक है। इसे अच्छे से मिक्स कर दी, हमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने दिया। फिर इसने वापस थोड़ा सा 2 ग्लास इसमें पानी डाला, क्योंकि हम ये आलू की ग्रेवी हमने बनाई है, आलू की भाजी बनाई है, तो थोड़ा उसको वाटरी रखा है, ठीक है। फिर उसमें नमक डालने के बाद और इसने हमने मैश पोटैटो इसमें मिक्स कर दिए और उसे अच्छे से पकने दिया। जब तक ये ना, इसे आप पकने देना जब तक इसका मतलब पूरा ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता, इसे छोड़ दो। जब तक हम हमारा पूरी का आटा लेते हैं, आटा लिया हमने, उसमें डाला थोड़ा सा नमक और इसमें डाला तेल, ठीक है। 2 चम्मच तेल डाल के, तेल डालने के बाद इसमें डालना है पानी, अपने जो जितना भी आटा है उसके अकॉर्डिंग आपको पानी डालना है, ज्यादा मत डाल देना, ठीक है। इसने पता नहीं कैसे अपने अंदाजे से डाल लिया, लेकिन आप अपने अंदाजे से ही डालना। फिर इसे अच्छे से गूंद लेना है मुक्की मार मार के, ठीक है। और आटा सॉफ्ट होना चाहिए, अगर आपको पूरी सॉफ्ट चाहिए तो आटा सॉफ्ट होना चाहिए। अरे पता नहीं कैसे कर रहा है, मतलब ना हम लोग ऐसे नहीं करते इतनी गंदी तरह से, ये आटा ले लेके फेंक रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अच्छा बन ही गया था। फिर हम हमारी भाजी देखते हैं, भाजी हमारी कैसी बनी है, वैसे तो अच्छी बनी थी, ठीक है। और फिर इसका बेलना स्टार्ट, ये देखो कैसे कर रहा है, घर में हम ऐसे बिल्कुल नहीं करते, ऑब्वियसली घर में ऐसे नहीं करते। और इसने इतना अच्छा गोल 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 बनाया था पूरी को, हम लोग देख के शौक में और मेरी मम्मी एक दूसरे को देख रहे कि लड़का बना रहा है अच्छे से, ठीक है। फिर इसने उसकी पूरी भी बहुत अच्छी बनी थी, लाइक एकदम गोल 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 गोल, एकदम जैसे बाहर खाते, एकदम होटल वाली, सही में बहुत टेस्ट लग रही थी और एकदम ऑयल फ्री, ऑयल नहीं था इसमें इतना, पता नहीं कैसे, लेकिन ऑयल नहीं था इसमें, बहुत अच्छी लग रही थी। और मेरे को खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इसकी इतनी तारीफ कर रही हूँ, क्योंकि ये है नहीं वैसे तो तारीफ लायक, लेकिन फिर भी इसने खाना बड़ा अच्छा बनाया था, ठीक है। इसने बहुत सारी पूरी बनाई अच्छे से और हो गया हमारा पूरी भाजी रेडी, एकदम टेस्टी, एकदम कम इंग्रेडिएंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।